और ये है हमारा ट्रेडिशनल आउटफिट जो कि एकदम विवाहित औरतें पहन। इसे ढूंढने में बहुत मेहनत लगी क्योंकि अब के जमाने में मिलता नहीं है। बेल्ट है ये, बेल्ट ये पहले जमाने की बेल्ट होती थी औरतों के लिए। सो हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। अभी बज रहा है दिन का एक, हाँ एक बज गया है और मैं 1 बजे से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया चंद, स्वागत करते हैं आप सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल प्रियाज ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ बहुत 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 दिनों बाद, क्योंकि मैं इतने दिन तक अपने रेस्ट पे थी। मैं जब से वहाँ से आई हूँ तब से आराम ही कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। बीच में आप लोगों को पता होगा कि नहीं, कैसे पता होगा मैं बताती हूँ, या बहुत सारे लोगों को पता है, यहाँ पर मतलब बादल फटा था वट एवर जो भी है, तो उसकी वजह से मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी हमारी दीवार वगैरह बहुत सारे, मतलब बहुत कुछ लोगों का भी नुकसान हुआ है, हमारा भी नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बट ठीक है, नुकसान तो हो जाएगी उसकी भरपाई, लेकिन लोग बिल्कुल सेफ हैं, वो चीज़ अच्छी बात है। और तो दोस्तों आज मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ एक बहुत अच्छे टॉपिक पे। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देती हूँ। हाँ, मैं वहाँ गई थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत 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 प्रॉब्लम हुई, बट ठीक है, मतलब क्या बोला, ठीक है, थोड़ा लाइफ में एडजस्टमेंट करना चाहिए। मेरे घर वाले तो बिल्कुल भी मुझे भेजने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब बिल्कुल भी भेजने के लिए तैयार नहीं थे, बट मैंने जिद करी, मैं जिद्दी बच्चा हूँ इसलिए तो फिर जैसे तैसे भेज दिया। बट हाँ ठीक है, शायद एडजस्ट कर लूँगी, पता नहीं। बीच में वो बंद करना पड़ा क्योंकि ऊपर से बहुत आवाज़ आ रही है। भैया सामने से छत पे चलेगा, वहाँ पर उनका काम शुरू हो गया तो बहुत बहुत आवाज़ आ रही है। मैं बोल रही थी कि काम क्या बोल रही थी, मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, अब भूल गई, ऐसी करती हूँ। अच्छी, ये देखो बहुत आवाज़ आ रही है यार। मेरी दादी देख रही है, मैं जब भी कैमरा खोलती हूँ मेरी दादी बहुत परेशान हो जाती है, लड़की क्या कर रही है, अपने बक 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 कह रही, क्या बोल रही है अपने आप में। मेरी दादी ना बेचारी इतनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी है ना, क्या बोलूँ। मैं थोड़ा सा बाहर आऊँगी, मैं रूम से अपने बाहर आती हूँ थोड़ा सा, वैसे मैं दिन भर रूम में ही रहती हूँ, जब भी बाहर आती हूँ थोड़ा सा ना, तो मेरी दादी कह रही क्यों आई बाहर, जा अंदर जा। ऐसे कौन बोलता है लोगों के, वो लोगों के घर वाले बोलते हैं हाँ भाई बाहर निकलो थोड़ा हवा हुआ कहो, मेरी दादी बार बार बोलती है जा जा अंदर जा। बार बार देखने भी आती है, बीच बीच में चेक करने आती है, फिर देखती है हाँ सो रही है, लेटी है, फ़ोन चला रही है, कोई बात नहीं, हाँ चला। इतनी प्यारी है यार, ऐसे मेरे सारे घर वाले ही बहुत प्यारे हैं, कोई मुझे कुछ करने नहीं देता। क्या लेके बैठ गई, मैं ना ऐसी हूँ दोस्तों, मैं ना बकवास करवा लूँ, मुझसे दुनिया की बकवास करवा लूँ। ठीक है, मैं ये बता रही थी कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं ट्रेडिशनल जो हमारा होता है ना ड्रेस, मतलब ड्रेस ही बोलते हैं ना, तो वो पहनने वाली हूँ, और उस पर मतलब मैं कैसी दिखूँगी, मैं भी पहली बार पहनूंगी, और तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसी लगती हूँ, और ट्रेडिशनल ड्रेस बताऊंगी उसका नाम क्या 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 होता है हमारा, वो सब दिखाऊंगी आपको। तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में, मैं आपको सीधा मिलती हूँ रेडी होने के बाद, और मैं आपको दिखाऊंगी अभी अपनी पूरा आउटफिट। और मुझे बड़ी शर्म आ रही है क्योंकि जैसे लोग देख रहे हैं, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। वो गॉड, मेरे शूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अभी, ऊपर से आवाज़ इतनी आ रही है। अभी मैं अपनी बहन को पकड़ती हूँ, वही दिखा पाएगी, वरना तो अभी देखती हूँ कैसे करती हूँ। ठीक है, अभी दिखाती हूँ आपको अपना पूरा लुक। हेलो एवरीवन, मैं आपको मिल रही हूँ सीधा रेडी होने के बाद, और ये है हमारा ट्रेडिशनल आउटफिट जो कि एकदम विवाहित औरतें पहनती है, शादीशुदा औरतें यानी कि। और बट मैंने ये इसलिए पहना है मैं आप लोगों को ताकि दिखा सकूँ कि हमारे रवाई घाटी में ऐसी वेशभूषा पहनी जाती है, ऐसी ड्रेस पहनी जाती है हमारे यहाँ पर, ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है। और मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके हर चीज़, मैं आपको बताऊँगी कि किसका नाम क्या है, क्या क्या बोलते हैं, ज्वेलरी से लेके पूरा ड्रेस तक। ये भी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, ये ड्रेस भी ऑब्वियसली ट्रेडिशनल है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं नीचे से, यानी कि ये धोती मैंने जो पहनी हुई है इसे धोती बोलते हैं। ये साड़ी के सिमिलर साड़ी की तरह ही होती है, बट साड़ी में होता है पल्लू, और इसको इसका पल्ला जो होता है ना उसको ऐसे ही ले लेते हैं और देन सीधा पहन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है ये जो मैंने कमर पे पहना हुआ है ना, इसे बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में गातर, और ये कमर कसने के लिए होती है। मतलब पहले ज़माने में ना औरतें बहुत काम करती थी, और कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न है कि वो बहुत स्लिम ट्रिम होती थी बिकॉज ऑफ दिस, तो क्या बोलते हैं इसे वो काम करते हुए पहनती थी, मतलब ना इसे बोलते हैं क्या गातर। हाँ, देन उसके बाद आता है ये कुर्ता, ये जो कुर्ती है ना, ये कुर्ती इसे बोलते हैं हम, अगर मैं अपनी गढ़वाली में बताऊँ तो इसे बोलते हैं खिलका बोलते हैं इसे, पहले ज़माने में खिलका बोलते थे, अभी कुर्ती बोलते हैं, कोई लोग खिलका बोलते हैं, कोई लोग क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं यार तीसरा, सॉरी कुर्ता वगैरह जो भी बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आती है हाफ स्वेटर ही बोलते हैं, और ये इसलिए पहनते हैं क्योंकि सबको पता है यहाँ पर उत्तराखंड में 12 महीने ठंडा होता है, तो औरतें काम करते हुए भी ये मतलब हमेशा ये स्वेटर पहन के रखती है। पहले ज़माने में पहनती थी, अब तो बहुत सारी औरतें सूट ही पहनती है, बहुत कम लोग ये पहनते हैं, दादी लोग पहनती है, मतलब बेसिकली जो बुढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादा ये वाली ड्रेस पहनते हैं, और जो मम्मी लोग हैं वो पहनते हैं अपना सूट वगैरह जो भी है। ठीक है, तो हो गई हाफ स्वेटर, और
देन उसके बाद आता है ये इसे बोलते हैं तिमाड़ा, हमारी भाषा में इसे बोलते हैं तिमाड़े, पूरे गोल्ड का होता है। आज के ज़माने में कोई इसे मतलब ख़रीदता है तो ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि ये पूरे गोल्ड का है, इसलिए शायद ऐसा ही कुछ है। देन और ये बहुत हैवी भी है, बहुत हैवी है ये। और उसके बाद आती है झुमकी, ये देखो, और इसे बोलते हैं झुमकी, झुमकी को बोलते हैं झुमकी। ये भी पहले ज़माने का ही कुछ है, बट अभी के ज़माने भी पहनते हैं, बट हाँ ऐसा कुछ होता था पहले के ज़माने में। ये इसका शायद क्या पता डिज़ाइन अलग है इसलिए पुराने ज़माने की है, आई डोंट नो, जो भी है ठीक है। और क्या बचा, ये ढांटू, हाँ जो ये इसे बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में ढांटू, जो मैंने लगा रखा है सर में। वैसे तो ना हमारे जो मतलब रवाई में है वो पहनते हैं साफा सर में, दादी लोग, मैं दिखाऊंगी आपको जो दादी ने पहना हुआ उसे पहनते थे साफा, बट थोड़ा मॉडर्न होते हुए लोग, थोड़ा हिमाचल हमारे बॉर्डर पे पड़ता है तो वहाँ से इन्फ्लुएंस होते हुए लोगों ने ये ढांटू पहनना शुरू कर दिया, तो लोग पहनते हैं ढांटू, इसे बोलते हैं ढांटू ठीक है। और अब सबसे मेन चीज़ दिखाती हूँ जिसके पीछे मैंने बहुत मेहनत करी है, ये बाल तो मेरे असली हैं, ये देख लो बाल यहाँ तक है पूरे ठीक है, लेकिन ये पहनती थी औरतें ना, इसे ना बाल भी लंबे होते हैं ऐसा बोलते हैं, और होते भी हैं शायद मुझे नहीं पता, पर ये पहनती थी मतलब पहले ज़माने में, इसे बांध के रबड़ वब्बड़ का यूज़ नहीं करती थी, रबड़ बैंड जो हम यूज़ करते हैं ना बालों को बांधने के लिए उसका यूज़ नहीं करती थी, ये पहनती थी। इसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में धग्यानू, इसे धग्यानू बोलते हैं। इसे ढूंढने में बहुत मेहनत लगी क्योंकि अब के ज़माने में मिलता नहीं है ठीक है, मतलब सिमिलर उसकी तरह ये क्या बोलते हैं उसे परांदा जो पंजाबी लोग पहनते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग भी पहनते हैं, तो परांदा ही है ये एक टाइप से, पर हम अपनी गढ़वाली में से बोलते हैं धग्यानू, और इसके साथ रबड़ बैंड का यूज़ नहीं होता, ये ऐसे करके ऐसे बांध रखा है मैंने, और ये मेरे बाल हैं। बस ये था मेरा लुक, मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। तो दोस्तों मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी गर्मी हो रही है, इसे पहन के ऐसे लग रहा पूरा कसावा, खतरनाक बेल्ट है ये बेल्ट, ये पहले ज़माने की बेल्ट होती थी औरतों के लिए, आज के ज़माने में बहुत सारी स्लिम वाली बेल्टें हैं ना आज, और ये पहले ज़माने की बेल्ट है। थैंक गॉड। दोस्तों हमारे घर पे चल रहा है बहुत काम, जैसे कि आप लोग देख रहे थे मेरे बैकग्राउंड में वहाँ पर काम चल रहा है, ये पीछे से आवाज़ भी सुन लो पूरी, काम चल रहा है बहुत, आवाज़ आती है मैं वीडियो ना। और दोस्तों ये वीडियो एकदम रैंडम था, मैंने कोई प्रिपरेशंस नहीं करी थी कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, एकदम जस्ट मेरा मन हुआ कि वाओ मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकती हूँ, देन मैंने वीडियो बनाई। नो स्क्रिप्ट, नथिंग, स्क्रिप्ट तो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल स्क्रिप्ट वाली बन नहीं सकती कभी, मैं मेरे को कभी कॉपी किताबों का याद ही नहीं हुआ, स्क्रिप्ट क्या याद होगी ठीक है। तो ठीक है, जैसा है वैसा ही है, तो देन मैंने बनाई वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इतना परेशान करा मैंने अपने घर वालों को ये सब ढूंढने के लिए, मम्मी एक तो यहाँ पर नहीं है, तो मम्मी का चलो चाबी तो मेरे पास ही है, तो ये सारी ज्वेलरी तो मेरी मम्मी की है, और ये सारा जो ड्रेस है वो बड़ी मम्मी का है, तो उनसे मैंने लिया और देन मैंने वीडियो बनाई, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना वंस अगेन। बाय बाय। दोस्तों ये देख लो दादी लोग बैठे हुए ना, उन्होंने वैसा ड्रेस पहना और ये साफा सर में ऐसे पहनते थे पहले जमाने, और यहाँ पर खा रही हूँ मैं दादी की डांट की हमारी वीडियो मत बना दादी बोल रही। दोस्तों इतने सारे लोग आ गए थे ना, दोस्तों क्या बताऊँ आपको, सारे लोग देखने लग गए, सारी भीड़ लग गई यहाँ पर, सब लोगों के लिए नया था कि ये प्रिया ने क्या कर रखा है मतलब पहली बार पहना ना ऐसे, तो मतलब सबको लगा कि ओ नो हू इट सी, तब इसलिए सारे लोग आ गए। दोस्तों आज तो मेरी दादी भी मान गई, दादी ने मेरी धोती पहनाई थी तो आज तो वो भी मान गई थी, वरना तो उन्होंने पीटना था मुझे, बजाना था भी, क्या कर रही है हरकतें। सारे लोग पता ऐसे देख रहे थे, और मेरे को शर्म भी अलग आ रही, मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही, पर फिर भी मैंने सोचा कि कब तक शर्माऊं, पहले मैंने बहुत बार इधर बनाई कोने कोने में गई, बट मैंने कहा कोई बात नहीं देखने दो जो भी देखेगा देख ही लेगा, और मैं क्या करती फिर, तो मैंने बना ली वीडियो, मैंने कहा बाद में भी तो सब देखेंगे, फिर मैंने बनाई ली और सारे लोग इधर ही आ गए इधर देखने घर पर ही। तो वैसे तो मैंने वीडियो एंड कर दिया था, पर फिर भी एक बार फिर से एंड कर देती हूँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, कुछ भी बोलती रहती हूँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और बस बाय।